कोई लड़ाई में है ही नहीं। अच्छा। पहली बात, कन्हैया भी लड़ाई में नहीं है बेगूसराय में? नहीं है। ये आपकी कन्हैया से मोहब्बत हो सकती है, तनवीर साहब की गिरिराज सिंह से डायरेक्ट लड़ाई है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ तनवीर साहब कम से कम 2 लाख वोट से वहाँ जीतेंगे। पप्पू यादव बेगूसराय में कन्हैया का समर्थन कर रहे हैं और पड़ोस में यहाँ किशनगंज में AIMM का समर्थन कर रहे हैं, इससे आपको लगता है कुछ नुकसान हो सकता है? क्या अब राजद में तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दरार खुलकर सामने आ गया है? जी नहीं, एकदम गलत, ये मीडिया का उपज है। ऐसा नहीं लगता है? तेज प्रताप जो रिजाइन दे दिए कल एक ऐसे पोस्ट से जो पब्लिक को पता भी नहीं था कि उस पोस्ट पे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो रिजाइन उनका, चूंकि हम तो यहाँ चुनाव में लगे हुए हैं, ये सब अफवाह है, ये सब कोई बात में दम नहीं। ये जो खबर आ रही है कि अपने ससुर के खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़ सकते हो, ये सब आप लोगों का ये सब फालतू बात है, ये सब में। दूसरा सवाल इसी मंच से, 1 महीने पहले कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने तस्लीम साहब के जन्मदिन के मौके पर स्टेज साझा किया था और दोनों साथ दिख रहे थे, अब बेगूसराय में आमने सामने हैं? नहीं, आमने सामने कहाँ से है? तनवीर हसन साहब उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। हसन की लड़ाई, तनवीर हसन की कन्हैया से तो कोई लड़ाई है ही नहीं। कन्हैया उस खिलाफ में उम्मीदवार है तो लड़ाई किससे करेंगे आप? सिर्फ गिरिराज से लड़के? गिरिराज सिंह से लड़ाई है, भाजपा से लड़ाई है हमारी। इस देश में भाजपा से लड़ने वाला एकमात्र नेता उसका नाम लालू यादव है। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? दो अगर 3 कैंडिडेट उम्मीदवार है तो आप एक ही से लड़ रहे हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए, कोई लड़ाई में है ही नहीं। अच्छा। पहली बात, कन्हैया भी लड़ाई में नहीं है बेगूसराय में? नहीं है। पिछली बार तनवीर साहब 3,70,000 वोट लाए थे, पिछली बार कन्हैया नहीं थे। अरे मेरी बात सुनिए ना पहले, पिछली बार कन्हैया नहीं थे लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी और कन्हैया में फर्क आपको अब तक नहीं दिखा? आपकी अपनी कन्हैया से मोहब्बत हो सकती है। अच्छा। नहीं, आपकी कन्हैया से मोहब्बत हो सकती है, तनवीर साहब की गिरिराज सिंह से डायरेक्ट लड़ाई है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ तनवीर साहब कम से कम 2 लाख वोट से वहाँ जीतेंगे। सारे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महादलित सारे लोग। नहीं, मेरा सवाल है, ये जो दोस्ती 1 महीने पहले यहाँ दिखी थी, दोस्ती आज भी है? आज भी है, बिल्कुल फ्रेंडली फाइट है। अरे भैया आप, अरे भाई उनकी पार्टी अलग है। उनकी पार्टी से हमारी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, वो ज्यादा सीट मांग रहे थे। हमारी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, उस सीट को हम तनवीर साहब का टिकट कैसे काट देते? उस हमारा उनसे उनकी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन नहीं हुआ, बहुत सारी पार्टियों से हो गया, तो सिर्फ कन्हैया ही आप लोग क्यों मुद्दा बनाते हैं? नहीं हुआ, वो अपना लड़ रहे हैं, अपना लड़ रहे हैं। कन्हैया से आपकी दोस्ती यहाँ दिखी थी ना, इसलिए हम मुद्दा। अरे भैया हमारी दोस्ती तो आज भी है, हमारी दुश्मनी कहाँ है? हम सब लोग देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि बेगूसराय में पिछली बार हम बहुत चंद हजार वोट से हारे थे, और इस बार तो हमारे साथ सनफ मल्लाह भी आ गए, इस बार हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, इस बार हमारे साथ दलित भी पूरी तरह से हैं, जो भाजपा ने 5 साल दलितों को जो प्रताड़ित किया, नंगा करके मारा है, उनके आरक्षण को ख़त्म किया है, तो दलित भी मेरे साथ हैं। इस बार जीतन राम मांझी भी मेरे साथ हैं, जो पिछली बार जीतन राम मांझी भी नहीं थे मेरे पास, तो पिछली बार चंद हज़ार वोट से हम हारे थे, इस बार जीतन राम मांझी जी मेरे साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे साथ, सनफ मल्लाह जी मेरे साथ, तो जीत तो हमारी 1-1.5 लाख से वहाँ हमारी होगी। चलिए आखिरी सवाल है, पप्पू यादव जिन्हें आपने साथ नहीं लिया, वो भी पप्पू यादव बेगूसराय में कन्हैया का समर्थन कर रहे हैं और पड़ोस में यहाँ किशनगंज में AIMM का समर्थन कर रहे हैं, इससे आपको लगता है कुछ नुकसान? अगर वो इतना ही प्रभावशाली होते तो 2015 के महागठबंधन का जो हम लोग उसके खिलाफ, उन्होंने सहरसा में जो उनका अपना मतलब लोकसभा क्षेत्र है अपना कैंडिडेट उतारा था, 1500 वोट आया। पूरे बिहार में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो सेकंड भी आ सका हो, सबकी जमानत जब्त हो गई। पप्पू जी का कहीं कोई प्रभाव नहीं है ज़रा सा भी, उनका काम है मीडिया में बने रहने के लिए गाली गुफ्ता करना, जिसको तिसको जो बोलना जैसे बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। अरे भाई उन्होंने कहा था 2015 में कि लालू जी का दोनों बेटा अगर जीत गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, तो तरीके से उनको संन्यास ले लेना चाहिए। आज क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको रख लो, हमको दे दो, क्यों? तो पप्पू यादव की वाइफ सहरसा से जो लड़ रही हैं, सुपौल से लड़ रही हैं, सॉरी, तो सुपौल से जो लड़ रही हैं तो उनका आप समर्थन करेंगे? पप्पू यादव जी का सुपौल से क्या लेना देना है? उनकी वाइफ है ना? अरे भाई उनकी वाइफ है तो घर में ना है, राजनीतिक तौर पर आप कह रहे हैं? अरे भाई आप जाइए ना मध्य प्रदेश में, जो पहले बीच में आया था कि राजद वहां से खिलाफ में चुनाव कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, सिंधिया परिवार अलग अलग है ना, दो पार्टी वाइफ अलग अलग नहीं है ना, बहुत जगह है। अच्छा। देखते ना मुखिया में हस्बैंड कहीं से, वाइफ कहीं से, ये सब तो चलते रहते हैं तक ना, यहाँ सब जगह है, ऊपर में भी है, ये सब क्या होगा? हस्बैंड वाइफ क्या है? तेज प्रताप जी वो करने वाले हैं, वो जो रिश्ता हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो अलग घर में है, पॉलिटिकल रिश्ता रंजीता रंजन जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो हैं, पप्पू यादव जी को महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं तो नहीं है,
हमारा कैंडिडेट वहाँ शरद यादव जी हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। आप नोट कर लीजिए, आप हमसे मिल लीजिएगा उसके बाद, चुनाव के बाद। चलिए।